राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार दिन ब दिन मुसीबतों में फंसता जा रहा है। हर रोज उनके खिलाफ कानून अपना शिकंजा कस रहा है। एक तरफ जहां सीबीआई अधिकारी रेलवे टेंडर घोटाले में पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ के दौरान गलत जानकारी दिए जाने और जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह एक कंपनी के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे और चेक काटते रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद पर तैनात तेजस्वी यादव एपी एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में लाभ का पद संभाल रहे थे, जिससे अब उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। आयकर विभाग ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेनामी तरीके से अर्जित दिल्ली की करोड़ों संपत्तियों को न केवल जब्त कर लिया है, बल्कि उनकी धोखाधड़ी को भी पकड़ा है। आयकर विभाग की 8 सितंबर 2017 की 80 पन्ने की जांच रिपोर्ट में विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। इस जांच रिपोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए बड़े बड़े ठेकों को हासिल करने और नामी गिरामी रियल एस्टेट कंपनी के साथ साथ दर्जनों छोटी बड़ी कंपनियों की गड़बड़ियों का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि वह एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के 98% शेयर हासिल करने वाले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण से पहले 9 नवंबर 2015 को कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। एबी एक्सपोर्टर्स के 98% शेयर के मालिक होने के नाते 10 जनवरी 2011 से ही इसके वे डायरेक्टर थे, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह कंपनी में निदेशक के पद पर काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने चेक भी जारी किया है।